अगर आप कौन के साथ काम करना पसंद करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अमिता और मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। आज की इस वीडियो में हम चार ऐसे पॉइंट्स के बारे में बातें करेंगे जो कि इस कोन के साथ काम करते हुए आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या इस कोन के फायदे हैं और कहाँ कहाँ आपको इसको यूज़ करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेरेमिक पाउडर कैसा होता है। ये एक बहुत ही फाइन क्वालिटी का वाइट कलर का पाउडर होता है। ये आप लोकल मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं और ऑनलाइन भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसका कोन बनने के बाद एकदम ही वाइट रहता है। अब चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक खाली बाउल लिया है जिसमें कि मैं डालने वाली हूँ फेविकोल MR। तो जो सबसे पहला पॉइंट हमारा है वो ये ही है, जब भी आप इस तरह का कोई कोन बनाते हैं तो जो फेविकोल लेना है वो आपको MR लेना है। फेविकोल MR ही इस तरह के कोन के लिए अच्छा रहता है। अब यहाँ पर मैंने लिया है सेरेमिक पाउडर। आपने जिस क्वांटिटी में यहाँ पर फेविकोल लिया है उसी सेम क्वांटिटी में आपको सेरेमिक पाउडर भी ऐड करना है, नहीं तो आपका कोन अच्छा नहीं बनेगा। आपको सेम क्वांटिटी रखनी है और उसके बाद इसको तब तक अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेस्ट बनाना है जो आपकी स्पून से एकदम से ना गिरे। थोड़ा सा आपको उसको गिराने में मेहनत करनी पड़े। अब ये पेस्ट रेडी करने के बाद आपको बनाने हैं इस तरह के कोन। कोन आप काफ़ी सारे रेडी करके रखें। सेकंड पॉइंट हमारा यही है, आप अपना जो आर्ट पीस बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे कोन एक ही बार में आप रेडी करके रख लें। मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि आप इनको स्टोर कैसे कर सकते हैं और आप ऐसा क्या करें जिससे कि जो आपके कोन हैं वो जल्दी से सूखे नहीं और आप उनसे अच्छे से और काफ़ी टाइम तक काम कर सकेंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, जब भी आप कोन के अंदर इस तरह से पेस्ट को फिल कर रहे हैं तो आपको पीछे की साइड तक अपने कोन को पूरा नहीं भरना है। आपको उसकी में थोड़ा सा ऊपर जगह रखनी है ताकि आप उसको अच्छे से टाई कर सकें। अगर कोन में ऊपर अच्छे से जगह नहीं होगी तो जब आप इससे काम करेंगे तो आपका जो पेस्ट है वो पीछे की साइड निकल आएगा। अगर इस कोन को आप कलरफुल बनाना चाहते हैं तो बस इसके पेस्ट में आपको जो भी आप कलर चाहते हैं वो मिक्स करना है और जो आपका कोन है वो एकदम कलरफुल रेडी हो जाएगा। अब अगर आपको इसको स्टोर करना है तो आपको इस तरह से एक टेप लेनी है और सामने से अपने कोन को बहुत ही अच्छे से बंद कर देना है। आपको इस तरह से उसके चारों तरफ टेप को लपेट देना है जिससे कि उसके अंदर बिल्कुल भी एयर ना जाए। इस तरह से आप इसको काफ़ी लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, आपका कोन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसीलिए ये लिपन आर्ट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें आपको वाइट कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर आपको वाइट कलर भी अप्लाई नहीं करना है। इस कोन के साथ आप बॉटल्स के ऊपर, लिपन आर्ट के किसी भी MDF बोर्ड के ऊपर या फिर कई बार हमें किसी ग्लास के ऊपर भी काम करना होता है तो ये बहुत ही अच्छा कोन रहता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे भी मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।